नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टेडी लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। यहाँ पे प्रश्न है, यदि टी आई जी ई आर का कूट है आई टी जी आर ई, तब एफ आई टी ई आर का कूट क्या है। ये देखिए, यहाँ पे दिया गया है टाइगर और यहाँ पे इसको बदल दिया गया है। देखिए, टी यहाँ पे भी है, टी यहाँ पे भी है, बस सीक्वेंस जो है वो बदल गया है। आई भी यहाँ पे है, आई भी यहाँ पे है, जी भी है और जी भी है, ई भी है और आर भी है। तो इसी वर्ड को अलग मतलब पलट दिया गया है, इधर उधर सीक्वेंस को अलग कर दिया गया है। वैसे ही इस शब्द का हमें निकालना है, तो सबसे पहले तो हम इसी शब्द का निकालते हैं। यहाँ पे दिया गया है, क्या लिख लेते हैं, टी आई जी ई आर, है ना। उसके बाद क्या दिया गया है, इसका ये वाला जो क्रमांक है उस क्रमांक को हम लिख लेते हैं, है ना। ये देखिए, यहाँ पे इसके क्रमांक को कहाँ पलट दिया गया है, टी यहाँ पे पहले नंबर था तो इसको यहाँ पे दूसरे नंबर पे ले जाया गया है। तो हम यहाँ पे दूसरे नंबर को इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, आई टी जी आर ई, है ना। उसके बाद हम इस वाले शब्द को लिख लेते हैं, वैसे ही हम इधर बनाते जाएंगे, एफ आई टी ई आर। अब देखिए, टी जो है वो यहाँ पे पहले में था तो ये दूसरे में चला गया, वैसे ही हम ये यहाँ पे पहले में है उसको हम दूसरे में ले जाते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा। उसके बाद ये दूसरे में है उसको पहले नंबर मिला दिया गया है तो हम इसको भी पहले नंबर पे ले आते हैं, ये हो गया हमारा आई। उसके बाद जी का, जी है उसके सीक्वेंस को नहीं बदला गया है तो हम भी तीसरे वाले के सीक्वेंस को नहीं बदलते हुए यहीं पे रखते हैं। उसके बाद ई जो है वो यहाँ पे था, लास्ट में चला गया, वैसे ही ई जो है वो यहाँ पर है तो वो भी कहाँ पर चला जाएगा, लास्ट में। और आर जो है वो लास्ट में है, वो यहाँ पर आ गया तो आर भी लास्ट में है, उसको हम यहाँ पर ले आते हैं। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर कहाँ पर आपको दिख रहा है, आई एफ टी आर ई, आई दो ऑप्शनों में है, आई एफ टी आर ई, आई एफ टी आर ई, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। थैंक यू।